कि हम क्या करेंगे, एम के सी फॉलो करेंगे। और उन्होंने बोला था कि जो भी फिजिक्स में क्वांटिटीज आएगी, जिनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, वो दो टाइप में, दो पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट वन होगी फंडा, सेकंड वन फंडामेंटल, का मतलब इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज? देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हो गई सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हमने फंडामेंटल यूनिट्स भी बनाए थे, जिनको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। तो कौन से थे फंडामेंटल यूनिट्स? लेंथ का, मास का, टाइम का, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वेरी गुड। फिर हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाए थे। जैसे लेंथ है तो उसको डायमेंशंस में हम यूज करेंगे, मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, सीडी अगर यूज करना है तो, ठीक है। और उसके बाद में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी, है कि नहीं? तो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी, कितनी होती है? पहले तो अनगिनत नंबर ऑफ, एज पर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, उनको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कल जो है हमने बस इनिशियल इंट्रोडक्टरी कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी थी, जिनके रिलेटेड डिस्कशन भी किया था एंड डायमेंशंस भी फाइंड किया था। लेकिन कल जो क्वांटिटी हमने डिस्कस की है, आज के बाद जब भी हम डायमेंशंस डिराइव करेंगे, सेम क्वांटिटी का यूज हमें करना है, ठीक है। तो एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, वेरी गुड, देन एक्सेलरेशन, फोर्स, कई एडे लोग अजून पण बघून सांगताय, ठीक है। फोर्स L1 M1 T-2, देन वर्क, देन पावर, एनर्जी नहीं माहिती, ठीक है, हुआ नहीं तकल, देन चार्ज, I1 T1 पोटेंशियल, वेरी गुड। सबके प्रिपेयर हो गए? चलो फिर से बोलो, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, चार्ज, पोटेंशियल, ठीक है। चलो तो ये सब ने लर्न की है, ये हम कंसीडर करके आगे कुछ डायमेंशंस पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम इनटू वी का स्क्वायर। तो देखो 1/2 मतलब नंबर है, नंबर को डायमेंशंस नहीं होते, तो हमें बस मास लेना पड़ेगा। मास के डायमेंशंस v मतलब डायमेंशंस थे L1 T-1, इसका कर रहे अपन स्क्वायर। तो ये M1 एज इट इज रहेगा, 1 into 2 बनेगा L2, -1 into 2 बनेगा -2, तो ये बन गए M1 L2 T-2। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला है m into g into h। m का मतलब डायमेंशंस आएंगे M1, g का मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशंस क्या होते हैं? एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशंस होते हैं L1 T-1, तो ये बनेगा L1 T-1। h के लिए डायमेंशंस, वेरी गुड, -2, एंड h मतलब हाइट, हाइट के लिए डायमेंशंस L1, तो यहाँ पे भी L1, यहाँ पे भी L1, बेस सेम है, तो L2 M1 T-2। ये हो गए डायमेंशंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके डायमेंशंस सेम आ रहे हैं एज दैट ऑफ वर्क, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है या फिर वर्क है या फिर टॉर्क है या फिर एनी टाइप ऑफ एनर्जी है, एनी टाइप ऑफ एनर्जी है, किसी भी टाइप की एनर्जी दी है, फिर वो हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, देन काइनेटिक केमिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हर बार डायमेंशंस रहेंगे L2 M1 T-2। अब इसमें टॉर्क मालूम नहीं है आपको, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्चुअल में। अब इसके डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब L1, अब L1 बेस सेम है, डायमेंशंस L2 M1 T-2, ये हो गए टॉर्क के डायमेंशंस।
एल टू एम वन टी माइनस टू, ठीक है। तो इनमें से कोई भी क्वांटिटी आएगी तो हर बार उसके डायमेंशन सेम होंगे, मतलब कल की लिस्ट है हमारी उसमें बस अब क्या हो गया, एनर्जी का पार्ट ऐड हो गया। कोई भी एनर्जी दे रहे तो उसके डायमेंशन सेम होंगे, किसके सेम रहेंगे, एज दैट ऑफ टॉर्क, दैट इज एल टू एम वन टी माइनस टू। चलो तो अभी कुछ और क्वांटिटी के डायमेंशन डिराइव करने हैं हमें जो कल के टेस्ट में आने वाले हैं। राइट डाउन नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सगळ्यांनी कंपलसरी ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम आपको मॉड्यूल में भी दिया है, ये लर्न करना ही पड़ेगा, इसको कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला याद है तभी आप डायमेंशन डिराइव कर सकते हो। अभी फोर्स के डायमेंशन तो कल से मालूम हो गए हमें, क्या होता है एल वन एम वन टी माइनस टू, एरिया मतलब एल टू, एल प्लस टू ऊपर जाएगा तो ये एल वन एम वन टी माइनस टू एज इट इज है, एल प्लस टू था ऊपर जाके बनेगा माइनस टू। अब यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, बेस सेम है तो पावर की एडिशन होगी, वन माइनस टू तो ये बना एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू। किसके डायमेंशन ये, प्रेशर के, वेरी गुड। अब प्रेशर के सिमिलर और एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स डिफरेंट होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन इन जनरल डायमेंशन के लिए हम फोर्स पर यूनिट एरिया कंसिडर करेंगे। मराठा का इमरजेंसी दूसरे का ही समझे, ठीक है। तो फोर्स मतलब डायमेंशन फिर से एल वन एम वन टी माइनस टू अपॉन एरिया मतलब एल टू, एल टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये एल वन एम वन टी माइनस टू इंटू एल प्लस टू पर आके एल माइनस टू, फिर से बेस से में पावर की एडिशन होगी एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू। उसके बाद में और एक क्वांटिटी आती है, दैट इज स्ट्रेन। अभी स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको कोई भी डायमेंशंस नहीं होते तो हम बोलते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उसके बाद में वाई, इसका मतलब होता है एंग्स मॉडुलस। अब ये एंग्स मॉडुलस है या फिर बल्क मॉडुलस है या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है या फिर मॉड्यूलस ऑफ विस्कोसिटी है, इन सब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बोलो इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, सेम एल माइनस वन एम वन, एल माइनस वन एम वन टी माइनस वन का माइनस टू। यानी बोर्ड पे जो भी लिस्ट दिख रही है, कौन है प्रेशर है, कौन है स्ट्रेस है, कौन है यंग्स मॉडुलस है, कौन है बल्क मॉडुलस है, कौन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कौन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सबके लिए डायमेंशन सेम होते हैं। क्या होते हैं, मना सेम होते हैं, ठीक है। एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू। क्लियर है। तो देखो बेसिकली प्रेशर के डायमेंशंस एल माइनस वन, बघून सांगू नका, आता आठवतं ना, थोडं डोक्यात ताण द्या ना, डोळ्यातून घ्यायचं जीवन सांगायचं आहे ना। क्या होगा, प्रेशर के डायमेंशन्स एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, स्ट्रेस के डायमेंशन्स एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन्स एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, बल्क मॉडुलस के डायमेंशन्स एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के डायमेंशन्स एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, टॉर्क के डायमेंशन्स एल एल टू एम वन टी माइनस टू। शिकारी आयला सर्ग करू नका, ज्याचे त्याचे डायमेंशन ज्याला त्याला सांगा, नाही ते चालू द्या एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू सारखं, ठीक आहे। तो क्या होगा, एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू हो गया। चलो राइट डाउन,
चलो हो गया, यस नो, लिख के भी हो गया, वेरी गुड। चलो तो अभी देखो फिर से, कल हमने लर्न किए थे डायमेंशंस, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एल वन टी माइनस वन एक्सेलरेशन, एल वन टी माइनस टू फोर्स, एल वन एम वन टी माइनस टू वर्क, एल टू एम वन टी माइनस टू वर्क, एल टू एम वन टी माइनस टू एनर्जी, एल टू एम वन टी माइनस टू पोटेंशियल एनर्जी, एल टू एम वन टी माइनस टू काइनेटिक एनर्जी, एल टू एम वन टी माइनस टू टॉर्क, एल टू एम वन टी माइनस टू वर्क, एल टू एम वन टी माइनस टू एनर्जी, एल टू एम वन टी माइनस टू पावर, एल टू एम वन टी माइनस थ्री पावर, एल टू एम वन टी माइनस थ्री प्रेशर, एल माइनस वन एम वन टी माइनस थ्री टी माइनस टू है ना बोर्डर लगे आठवते लगे स्ट्रेस, एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू बल्क मॉडुलस, वेरी गुड। देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू। क्लियर है फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख के भी हो गया। चलो वंस अगेन, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एमएलटी माइनस टू सगळे फोर्स, वर्क माइनस टू एनर्जी, काइनेटिक एमएलटी माइनस टू पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। टॉर्क, प्रेशर, वेरी गुड प्रेशर, पावर एमएल माइनस एमटी माइनस पावर, चार्ज, पोटेंशियल एम वन एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। हे बघा मी सांगितलं आहे, ज्यांना याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नसेल भारी वाटतंय म्हणून बघून ऐकत बसू नका, आपलं पेंडिंग वर्क भरपूर आहे ते करत बसा, ठीक आहे ना। ज्यांना हे नाही येत त्यांच्यासाठी आपण घेतोय, फक्त तेवढ्याच पार्टसाठी बोर्डवर फोकस करा, ठीक आहे। सरफेस टेंशन काय फॉर्म्युला, फोर्स अपॉन लेंथ, काय फॉर्म्युला, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स के डायमेंशन्स मालूम है क्या होते हैं, एल वन एम वन टी माइनस टू, लेंथ के डायमेंशन्स एल वन एल वन एल वन कैंसल, क्या बन गया एम वन टी माइनस टू। क्या ये सरफेस टेंशन, एम वन टी माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ, वेरी गुड, विस्कोसिटी। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए रिलेशन होता है एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी, हा फॉर्मूला है, कभी आला, कुठून आला, कसा आला सगळी, ठीक है। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला रिमेंबर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला कि उससे रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। यहाँ पे एफ का मतलब फोर्स, ये सिक्स पाई कॉन्स्टंट है, नंबर है, डायमेंशन नहीं है। ये ईटा का मतलब, याला ईटा असं प्रोनाउंस करायचं, याची मीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर का मतलब एंड वी का मतलब हो गया एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी, एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा, एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा, किती भारी फॉर्मूले है, एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। तो हमें ईटा के डायमेंशन चाहिए, तो रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट क्या होगी, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन आर इंटू वी। चला करा कैलक्युलेट डायमेंशन्स, प्रत्येकाचं करेक्ट आलं पाहिजे, हळूहळू करा, वेरी गुड। सोडो भक्ती, आरती बघून सांगते काय तू, मन करते आता एका काय कन्सेप्टचे 10 फॉर्म्युले असते, फोर्सचे आपल्याला 45 फॉर्म्युले आहेत, नको बघू दे। फक्त डायमेंशन काढताना आपण काय करतो, जो सिंपल आहे, बेसिक आहे, आणि स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया था उसको कंसिडर करते। चलो हो गया, यस नो, नहीं सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स क्या है एल वन एम वन टी माइनस टू अपॉन लेंथ, मतलब एल वन एल वन एल वन कैंसल होके क्या बचा एम वन टी माइनस टू,
देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन आर वी. करो कैलकुलेट कमांड फास्ट. दुसरं सोडव ना, तुला येतं ना, कसा टाइमपास करतोय. वन डी काढ, वन डी सोडवत बस तू, कहावा करायला आला. ठीक आहे, चलो क्या होगा. एफ मतलब फोर्स है, नेहा फोर्स के डायमेंशंस एल वन एम वन टी माइनस टू अपॉन रेडियस है, उसके डायमेंशंस वेलोसिटी है तो एल वन टी माइनस वन. एल वन एल वन कैंसल. देखो एल प्लस वन है, ऊपर जाके एम वन एज इट इज, टी माइनस टू था, ये टी प्लस वन ऊपर जाके, सॉरी माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन यानी एल माइनस वन एम वन टी माइनस वन. ये किसके लिए डायमेंशंस हो गए, फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, नेक्स्ट. आलो सगळ्यांचं सेम आंसर. ओके, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट. अब ये लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला होता है, मनवत लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला एल इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एम. अब Q मतलब एच ई म्हणजे हीट एनर्जी एंड M का मतलब मास. तो बोलो L के लिए डायमेंशन्स क्या होंगे लेटेंट हीट के लिए. ले बरं तसं तुला आता है कि नहीं, आणि पहिल्या लेक्चरला कसं करत होता. ठीक आहे, L इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम. क्यू मतलब हीट एनर्जी, M का मतलब मास. हाँ, एल टू टी माइनस टू, हे बघा क्यू मतलब हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी के डायमेंशन्स एल टू एम वन टी माइनस टू अपॉन मास है मतलब एम वन, एम वन एम वन कैंसल, काय राहिलं एल टू टी माइनस टू हो गया. ये हो गए डायमेंशन्स फॉर एल टू टी माइनस टू. मैं आता कुठला पण फॉर्मुला दिला यू कैन कैलक्युलेट द डायमेंशन्स बरोबर. चलो नेक्स्ट, आपको दिया है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए आपको कूलम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ यूज करना है, यानी आर इक्वल्स टू वी बाय आई करना है. तो टेल मी डायमेंशंस फॉर आर. सचिन येते का, कळते ना संभाजी, नक्की का, त्याला पण सांग. अमर ऋतिक पायल, पायल एम वन, व्हेरी गुड. त्याचं ऐकू नका, सोडवा सगळे, आलं करती. ठीक आहे, वी मतलब क्या था, एल टू एम वन टी मायनस थ्री आय मायनस वन, हे कुठून आलं, कालच पाठ केलं होतं आपण बरोबर. तो डिनॉमिनेटर में कोण आहे आय, मतलब बनेगा आय वन, आय वन ऊपर जाके ये बनेगा एल टू एम वन टी मायनस थ्री, आय मायनस वन था, ये प्लस वन ऊपर जाके माइनस वन, माइनस वन माइनस वन बनेगा माइनस टू. कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये, प्रथमेश हसू नको, तुला अर्ध्याच तासात अजून परत वन डीचे क्वेश्चन्स येणार. ठीक आहे ना, त्यामुळे ते सकाळी जे सोडवले ते परत सोडव. ठीक आहे, मन मत इकडे बघ, एल टू एम वन टी मायनस थ्री आय मायनस टू, कितने लोक रॉंग हो गया ये. सुमित रॉंग, नेहा क्यू, पोटेन्शियल याद नहीं किया होगा, जर नहीं केलं तर काहीच होणार नाही बेटा, कळालं ना. हा लास्ट चान्स आहे तुमच्या लाईफमधला, ह्याच्यानंतर एवढं डिटेलमध्ये मी तर शिकवणार नाही, तुम्हाला क्लास बदलावा लागेल, कळालं ना. ये लास्ट चान्स आहे, त्यामुळे इथं किती जगमार आहे ती मारून घ्या, झालं तर ठीक, नाहीतर दोनच ऑप्शन आहे तुमच्याकडे, एक तर फिजिक्स सोडून द्या नाहीतर क्लास सोडून द्या, कळालं ना. इथं किती एफर्ट्स घेतात त्यावर डिपेंडेंट आहे. हे वाटतं तेवढं सोपं नाही आहे, सोपं कोणाला आहे, इझी किसको आहे, जो कल प्रिपेअर करके आहे, एक ही स्टेप तो एक्स्ट्रा आहे. पोटेन्शियल के मालूम थे, आय वन से डिवाइड कर दिया, आय प्लस वन ऊपर गया, आय मायनस वन हो गया आन्सर. म्हणजे आणि पोटेन्शियल प्रिपेअर नाही केले ते, हे कुठून लिहिलं डायरेक्ट, म्हणजे त्यांचा कार्यक्रम झालेला आहे, कळालं ना, त्याला काही ऑप्शन नाही आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट, रेजिस्टन्स मिल गया. अब सेम वे आप कॅल्क्युलेट करेंगे डायमेन्शन्स फॉर रेजिस्टिव्हिटी. अब रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है R इंटू ए अपॉन एल, वेर R का मतलब रेजिस्टेंस है, A का मतलब एरिया है, एंड L का मतलब लेंथ है. तो पुट करो वैल्यू एंड कैलकुलेट करो डायमेंशंस फॉर रेजिस्टिविटी. प्रतीक येत आहे आंसर, रेजिस्टिविटी मन मत त्याला नको विचारू, तूच तू सोडव.
क्या होगा, देखो रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस के डायमेंशंस अभी कैलकुलेट किए थे, क्या थे, एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस टू, एरिया मतलब एल टू, लेंथ मतलब एल वन, तो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, एल थ्री एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस टू, ये हो गए डायमेंशंस फॉर रेजिस्टिविटी। अब कितने लोगों का रॉन्ग हो गया, कितने लोगों का आंसर करेक्ट है, प्रतीक नहीं आए, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी आ गई। अब देखो रेजिस्टेंस से रिलेटेड और एक टर्म होती है, दैट इज कंडक्टेंस, और ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वन अपॉन रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस के जो डायमेंशंस थे क्या थे, एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस टू, ये वन अपॉन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, जो प्लस है दैट विल बिकम माइनस, जो माइनस है दैट विल बिकम प्लस, तो क्या आएंगे डायमेंशंस, एल माइनस टू एम माइनस वन टी थ्री आई टू, निशाना सही भी लग सकता था मनमत कळालं ना, त्यामुळे आता बडबड न करू, पुढच्या वेळी माझ्या हातात काय असेल मला सांगता येत नाही। शुभम आलाय का, नाही सागर, शुभमचा भाऊ होता, चलो इसके रेसिप्रोकल लेंगे तो ये L प्लस टू बनेगा L माइनस टू, M प्लस वन बनेगा M माइनस वन, T माइनस थ्री विल बिकम T प्लस थ्रू प्लस थ्री, I माइनस टू बनेगा I प्लस टू, क्लियर है, ये हो गया डायमेंशंस फॉर कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस की तरह हमें डायमेंशन चाहिए फॉर कंडक्टिविटी। अब जैसे रेजिस्टिविटी होती है उसी तरह से कंडक्टिविटी होती है। अब ये जो कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी के जो डायमेंशंस आ रहे थे उसको वन अपॉन में मतलब ऊपर लेके उल्टा करना पड़ेगा, तो एल प्लस थ्री विल बिकम, हो म्हण नका, एक्सप्रेशन देऊ नका, कॅल्क्युलेट करा लिहा, हे नंतर कळणार नाही, उद्या एक्झाममध्ये येणार आहे, एक पण रॉंग नाही झाला पाहिजे, क्या होगा, आणि ते पवन आणि कुणाल ते बोर्डवर लिहित बसते, चॉक घेऊन त्यांना लिहून नका देऊ आज, त्यांना वॉर्निंग दिसतो माझं लक्ष राहत नाही, नहीं तो ना बॉक्स आने संग चौक ची। चलो तो क्या होगा, वन अपॉन रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी के डायमेंशंस, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, एल एम प्लस वन माइनस वन टी प्लस थ्री आई टू, ये किसके डायमेंशन है फॉर कंडक्टिविटी, मतलब कौन, सिग्मा, उसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन रो, क्लियर, सब क्लियर, मतलब सिर्फ क्लियर होके नहीं चलेगा, फॉर्मूला एंड फॉर्मूले के साथ डायमेंशंस लर्न करने, डायमेंशन्स नहीं झाले तरी चालेल बट ऐटलीस्ट फॉर्मुला चाहिए, हर बार फॉर्मुला बोलूंगा तो कैलकुलेट करने को मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो चलो एरिया के डायमेंशंस, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, पावर, चार्ज, पोटेंशियल, एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस वन, ठीक है, उसके ऊपर से आज कैलकुलेट किया प्रेशर, प्रेशर के सिमिलर था स्ट्रेस, स्ट्रेस के सिमिलर यंग्स मॉडुलस, के सिमिलर बल्क मॉडुलस, का सिमिलर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, का सिमिलर मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबके डायमेंशंस एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, देन विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके लिए फॉर्मूला ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन आर बी, उसके डायमेंशंस एल माइनस वन एम वन टी माइनस, वेरी गुड, ठीक है, देन उसके बाद में अभी कैलकुलेट किया डायमेंशंस फॉर रेजिस्टेंस, क्या था, रेजिस्टेंस एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस टू, उसके बाद में कंडक्टेंस, उसको उल्टा करना पड़ेगा, एल टू था
एल माइनस टू, एम माइनस वन, टी प्लस थ्री, आई प्लस टू. देन रेजिस्टिविटी एल थ्री, एम वन, टी माइनस टू, टी माइनस थ्री, आई माइनस टू. एंड कंडक्टिविटी तो उसका उल्टा क्या होगा, एल माइनस थ्री, एम माइनस वन, टी प्लस थ्री, आई प्लस टू. क्लियर है? चलो नेक्स्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है कोमल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देवेश, हाँ, फोर्स अपॉन चार्ज. थोड़ा टोले दे दोन चार जन, ठीक है. क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, एफ अपॉन क्यू. अब एफ मतलब फोर्स, फोर्स के डायमेंशंस मालूम है क्या होते हैं, ये सगळे जण याच्याकडे बघा बरं एकदा, हे प्रथमेश खाताकडे उभा राहा, एक मिनिट, एक मिनिट उभा राहा ना, एक मिनिट उभा राहा ना, सगळे जण बघून घ्या त्याच्याकडे, पाठीमागं वळून बघ, असा आनंद चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहतोय त्याच्या, कळालं ना, हे आज दूर दूरपर्यंत कोणीच नाही म्हणून. आणि हाच प्रथमेश कातार होता जेव्हा इलेवंथला हा टॉपिक स्टार्टला सुरू केला होता, 15-20 दिवस म्हणजे लेक्चरमध्ये रडत होता, कंट्रोल करत होता, कळालं ना, त्याच्याकडे बघून मला कसं तरी माझ्या होप संपत होत्या, आता काय सांगू याला, कोणत्या भाषेत सांगू, कळालं ना. हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे तुमच्या क्लासमधलं, केलं की होतं, कळालं ना, केल्यानंतर 100% होणार आहे. आता बाकी ज्यांचे फॉर्म्युले चुकायला लागले, देवेश सारख्यांचे, कळालं ना, देवेश सारख्यांचे म्हणजे देवेश खूप चांगले मार्क्स घेतो बट त्याचा फॉर्म्युला चुकतो आहे आणि प्रथमेशचा करेक्ट येतो आहे. बघा त्या चेहऱ्याकडं, 4 to 5 लेक्चरमध्ये असा भयानक झोप येत होती त्याला, आता फ्रेशनेस त्याची म्हणजे आपण म्हणतो ना ओसंडून वाहते, हा फीलच वेगळा बेटा जेव्हा फिजिक्स यायला लागतं खरंच तेव्हा. आणि ही त्याची मेहनत आहे, त्याचे एफर्ट्स आहे. ॲक्च्युअली मला त्याचा खूप राग येतो आहे, खूप टोले द्या वाटतं त्याला, कारण तो डिस्टर्ब करतो आहे आपल्याला, बट दुसरीकडे त्याचा अभिमान पण वाटतो आहे मला, प्राऊड पण फील होतो आहे की एक वेळ अशी होती याच डायमेन्शनसाठी डोकं आपटत होता तो. आणि त्यांच्या ग्रुपमध्ये 5 होते, सगळ्यांची सिच्युएशन सेम होती, 4 अजून तसेच आहे, काही मुंबई इंडियन्स नाव लावून फिरतात फक्त. नाही ना सर. व्हेरी गुड बेटा, सिट डाऊन, ठीक आहे. तर हा फील सगळे घ्या बेटा, त्याच्याकडे खरंच बघा किती खुश झालाय तो, अशी खुशी आपल्याला रोज मिळाली पाहिजे. मला पण येतो सर. हा, मला पण यायला लागलं म्हणलं. चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, फोर्स अपॉन चार्ज. फोर्स मतलब, फोर्स मतलब काय, घेणं देणं नाहीये या टॉपिक मध्ये आपल्याला माहिती, एल वन एम वन चार्ज मायनस टू, एल वन एम वन टी मायनस टू, चार्ज मतलब आय वन टी वन, एल वन एम वन टी प्लस वन, उपर आके मायनस वन, मायनस वन मायनस टू मायनस थ्री, आय प्लस वन, उपर आके मायनस वन, एल वन एम वन टी मायनस थ्री, आय मायनस वन. योग्य डायमेन्शन्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, ठीक आहे. नाऊ सबसे इम्पॉर्टंट, आणि ज्या क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स लर्न करायला प्रथमेशला 4 लागले होते, दॅट इज परमिटिव्हिटी. परमिटिव्हिटी आठवतं ना प्रथमेश, रोज याला बघून बिचारा रडकोंडी यायचा, हे कुठून आले, इप्सिलॉन नॉट. परमिटिव्हिटी मतलब इप्सिलॉन नॉट, इसकी व्हॅल्यू होती आहे 8.85 × 10^-12, अँड इसका युनिट आहे कुलम स्क्वेअर पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर. अभी ये युनिट के ऊपर से इसके डायमेन्शन चाहिए, तुला पण येतं तेच काय, हो कधी, अरे हा तू डायमेन्शनला होती ना, गुड. कुलम स्क्वेअर पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर. अब कुलम मतलब किसका यूनिट है, चार्ज का. चार्ज के डायमेंशंस आई वन टी वन, तो ये बनेगा आई वन टी वन का स्क्वेयर. एन मतलब न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स के डायमेंशंस एल वन एम वन टी माइनस टू. मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, मीटर का स्क्वेयर है मतलब एल टू. अब क्या होगा, देखो यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, एल एल बेस से में पावर के एडिशन, 2 + 1 + 3 ऊपर आके तो ये बनेगा L माइनस थ्री, एम प्लस वन है ऊपर आके, अब यहाँ पे T माइनस टू है ऊपर आके प्लस टू, लेकिन ऊपर में पहले से 2 था तो 2 + 2, एंड I बनेगा 2, L माइनस थ्री एम माइनस वन टी फोर आई टू, एल माइनस थ्री एम माइनस वन टी फोर, एल माइनस थ्री एम माइनस वन टी फोर आई टू. हे 3-4-5-8 दिवस खूप जास्त वेळा यूज करायचे आपल्याला, त्यामुळं बाकीचे राहिले तरी चालेल, पण हा पहिले प्रिपेअर करा आणि मग बाकीचे करा, ठीक आहे. काय आहे परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके डायमेन्शन्स एल मायनस थ्री एम मायनस वन टी फोर आय टू, एल मायनस थ्री एम मायनस वन टी फोर आय टू.
झालं, वेरी गुड. ठीक आहे, अब जैसे परमिटिविटी होती है उसी तरह से मैग्नेटिक्स के डायमेंशन हमें इंट्रोड्यूस करने हैं. और मैग्नेटिक्स शुरू होता है फ्रॉम मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैग्नेटिक इंडक्शन की, ती टॉपिक स्टडी करताना कळेल आपल्याला. इथं फक्त फॉर्म्युला लक्षात घ्या, बी इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन आई इंटू एल. तो इस फॉर्मूले के ऊपर से हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. एफ का मतलब फोर्स, आई का मतलब करंट, चार्ज नहीं है, चार्ज क्यों असतो, आई का मतलब करंट, एल का मतलब लेंथ, फोर्स मतलब एल वन एम वन टी माइनस टू, आई दी आई मतलब आई वन, लेंथ दी मतलब एल वन, एल वन अपन एल वन कट कैंसल, तो क्या बचा एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन. ये किसके डायमेंशन से, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन डिनोटेड बाय बी. और उसके लिए डायमेंशन बनते हैं एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन, एम वन एम वन एम वन एम वन. उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाय इक्वल्स टू बी इंटू ए. आता बी म्हणजे काय, ए मीन्स एरिया. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक इंडक्शन के डायमेंशंस थे एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन, इसको एरिया के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एरिया मतलब एल टू, तो ये बनेगा एल टू. सिंप्लीफाई होके बनेगा एल टू एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन. ये डायमेंशंस हो गए किसके लिए, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं वेबर के डायमेंशंस है एल टू एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन. ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर. तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बोलो या फिर वेबर के बोलो, क्या है डायमेंशंस, एल टू एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन. क्लियर है सबको. अब इससे रिलेटेड मैग्नेटिक्स का कांस्टेंट आता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था परमिटिविटी प्रथमेश, वैसे मैग्नेटिक्स में होता है डायमेंशन सांग परमीएबिलिटी. क्या होता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सांग राम आरती आरती कोमल, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के डायमेंशंस नहीं, श्रवण टी माइनस टू आई माइनस टू, वेरी गुड, करेक्ट है. काय माइनस वन, तू आय माइनस टूच म्हटला होता का, मला वन ऐकलं येत होतं, बरोबर आहे बेटा. ठीक आहे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, परमिएबिलिटी मतलब म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन वेबर पर एम्पियर मीटर. अब इसके यूनिट से डायमेंशन चाहिए, परत बघा वेबर मतलब मैंने बोला था इसका यूनिट वेबर है, तो वेबर के डायमेंशंस कौन है, एल टू एम वन टी माइनस टू आई माइनस टू. क्या है वेबर के डायमेंशंस, एल टू एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन, एल टू एम वन टी माइनस टू. तो अपॉन में ए, ए का मतलब एरिया नहीं है, एम्पियर मतलब करंट, मीटर. तो क्या होगा देखो, एल टू एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एम्पियर है मतलब कौन है, आई वन, मीटर है मतलब कौन है, लेंथ यानी एल वन. अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा एल वन ऊपर आके टू माइनस वन एल वन, ये बनेगा एम वन टी माइनस टू एज इट इज, आई प्लस वन ऊपर जाके माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू. तो ये हो गए डायमेंशंस फॉर परमी एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. क्लियर है, तो आज के लिए बस इतने ही डायमेंशन हमें लर्न करने हैं. ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे, जितने डायमेंशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए सारे के सारे डायमेंशंस बस फॉर्मूला देखेंगे, एंड जब तक करेक्ट नहीं आ रहे उसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, और इस पार्ट के लिए मैं आपको पूरे पूरे 20 मिनट्स दे रहा हूँ, 20 मिनट्स में 25 डायमेंशंस लर्न करने प्रिपेयर करने. क्लियर है, तो आफ्टर 20 मिनट्स वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट काइनेमेटिकल इक्वेशंस, सबका फेवरेट है ना.
मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तब तक 20 मिनट्स में याचं वर्क आत्ताच संपलं पाहिजे, काय डाउट्स येतात मला लगेच विचारून क्लियर करा, गॉट इट? चलो शुरू हो जाओ, ऑनलाइन वाले भी, मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ मैं, 20 मिनट्स में जितने डायमेंशन हो गए प्रिपेयर करो, रिमेनिंग जो है हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू